Today we will discuss about AV AIDS and about audio AIDS. AV AIDS का मतलब अपन जिस चीज़ को सुन सकते हैं उसके साथ साथ अपन उस चीज़ को देख सकते हैं तो उसे बोलते हैं ऑडियो विजुअल एड्स। वो चीज़ें ज़्यादा इफेक्टिव होती है और लर्निंग की क्यूरोसिटी को बढ़ाती है। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑडियो एड्स। ऑडियो एड्स का मतलब होता है कि ओनली फॉर हियरिंग, कि आप सुन के चीज़ों को कितना नॉलेज गेन कर सकते हैं। वो ऑडियो एड्स का मतलब ही यही होता है कि आप सुनना चीज़ों को, जैसे कि फॉर एग्जांपल है रेडियो, रिकॉर्डर, माइक्रोफोन एंड ग्रामोफोन। रेडियो के बारे में हम इन डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स डिस्कस द टीचिंग एड्स अबाउट टीचिंग एड्स इन डिटेल। फर्स्टली रेडियो। रेडियो सबसे कॉमन पब्लिक एजुकेशन एंड एंटरटेनिंग ऑब्जेक्ट है, जिससे कि बहुत सारी एजुकेशनल चीज़ें सीखने को मिलती हैं, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट डेवलप होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड्स आते हैं। मेनली जो इसके अंदर रेडियो के अंदर जो क्वीज चलती है वो इंक्रीज करती है जनरल नॉलेज को स्टूडेंट्स के। जो रेडियो के बारे में हम बोलेंगे कि रेडियो जो होता है वो मेनली विलेज एरिया के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है और ये थोड़ा सा जो एड्स है वो थोड़ा सा कम इफेक्टिव होता है ऑडियो विजुअल की तुलना में। तो इन दीज एजुकेशनल रेडियो प्रोग्राम्स जो होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं कि इनका यूज़ क्या है इन प्रोग्राम्स का। तो इसका पहला यूज़ है कि प्रोक्योर एंड स्टडी इन एडवांस द नेचुरल एंड कॉन्टेक्ट ऑफ रेडियो लेसन्स। द स्टूडेंट्स फॉर द रेडियो लेसन बाय इन्फॉर्मिंग अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ लेसन। इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले रेडियो के अंदर आपको टॉपिक पहले से प्रिपेयर करके आना पड़ता है। टॉपिक को पहले से प्रिपेयर करके आओ, उसके बाद आप उसको रिकॉर्ड करो, रिकॉर्डिंग के बाद में आप उसको पब्लिश करो। देन सबसे पहले इसमें क्या होता है कि आप जो रिकॉर्ड करते हैं, आप साउंड को रिकॉर्ड करते हैं, तो इसका एक ही फ़ायदा होता है कि जो साउंड है वो एग्जैक्ट आती है, उसकी क्लैरिटी अच्छी होती है, उसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं वॉल्यूम को। इसके जो रेडियो के काइंड्स है वो क्या क्या है कि सबसे पहला आता है टॉक, दूसरा आता है डिस्कशन और तीसरा आता है ड्रामेटाइजेशन। सबसे पहला आता है टॉक कि आप टॉक के अंदर क्या करते हैं कि सिक्वेंशियल नरेशन अबाउट अ टॉपिक बाय अ सिंगल स्पीकर। एक सिंगल स्पीकर होता है जो कि बोलता रहता है। और एक गुड रेडियो टॉक इज कैरेक्टराइज बाय नेचुरलनेस ऑफ वॉइस, प्लेजेंट टोन और बाय ह्यूमरस इंसिडेंट, ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज एंड वर्ल्ड पिक्चर्स। उसके बाद हम आते हैं डिस्कशन पे। डिस्कशन के अंदर इंटरव्यूज़ हो गए, डिबेट्स हो गए या पैनल्स हो गए या क्विज कोई हो गया तो उसके बारे में आप डिस्कस करते हैं, तो ये इस चीज़ को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। ड्रामेटाइजेशन के अंदर अगर कोई स्टोरी है, कोई ड्रामा है, अगर रेडियो के अंदर चल रहा है तो वो इंटरेस्टिंग बनाता है इस चीज़ को। इसके एडवांटेज क्या होंगे कि रेडियो प्रोग्राम्स आर गुड फॉर मास एजुकेशन, रेडियो प्रोग्राम्स आर इफेक्टिव फॉर डिस्टेंस एजुकेशन, रेडियो प्रोग्राम्स विद ड्रामेटिक इफेक्ट कैन अराउज पॉजिटिव मोशंस एंड रेनफोर्स पॉजिटिव एटीट्यूड। थ्रू रेडियो प्रोग्राम्स द इफेक्टिव एंड एक्सपर्ट टीचर कैन मेड टू रीच आउट टू लार्ज मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स। देन द रेडियो प्रोग्राम्स कैन बी यूज फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन एज वेल एज फॉर रिव्यूइंग अ प्रीवियस लेसन। द रेडियो लेसन कैन बी रिकॉर्डेड फॉर यूज एट एन अप्रोप्रिएट टाइम। रेडियो लेसन को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और जब अप्रोप्रिएट टाइम हो तब उसका यूज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर के अंदर, टेप रिकॉर्डर इज अ पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक गजेट टू रिकॉर्ड, रिप्रोड्यूस, इरेज एंड रिकॉर्ड साउंड। ये एक ऐसा गजेट है जिसके अंदर आप साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं और जब ज़रूरत हो तब आप उसको इरेज करके वापस दोबारा से रिकॉर्ड कर सकते हैं, दोबारा से उन चीज़ों को सुन सकते हैं। ये टेप रिकॉर्डर का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देन ऑल्सो देर आर सम फंक्शनल कंट्रोल इन टेप रिकॉर्डर सच एज वॉल्यूम एंड टोन टू कंट्रोल द लाउडनेस लेवल ऑफ साउंड एंड क्वालिटी ऑफ साउंड रेस्पेक्टिवली। इसके अंदर फंक्शनल कंट्रोल्स होते हैं जिसके अंदर आप साउंड को कंट्रोल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देन जो नेक्स्ट आता है रिकॉर्डर के अंदर वो आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन आता है माइक
माइक का यूज़ हम जनरली बहुत सारी जगह पर करते हैं, और ये जो डिवाइस होती है वो क्या करती है कि जो साउंड होती है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करती है, और इसको क्लासिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू साउंड सिग्नल्स। इसका जो यूज़ होता है टेप रिकॉर्डर का फॉर टीचिंग के लिए, उसके अंदर सबसे पहला है टीचर मस्ट प्रैक्टिस द यूज़ ऑफ टेप रिकॉर्डर टू गेट फैमिलियर विद वेरियस कंट्रोल एंड टेक्निक्स। द टीचर मस्ट मेक स्पेशल एफर्ट टू यूज़ द टेप रिकॉर्डर इन टीचिंग प्रॉपर स्पीकिंग ऑफ लैंग्वेज, म्यूजिक एंड सोशल साइंसेज। टीचर मस्ट प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस टेप रिकॉर्डर लेसन बिकॉज यूज इन क्लासरूम। टीचर मस्ट प्रिपेयर टेप रिकॉर्डर प्रोग्राम्स फॉर द सोर्सेज सच एज रेडियो प्रोग्राम्स, साउंड ट्रैक्स, टीवी प्रोग्राम्स, परफॉर्मेंसेज इन एंड आउट ऑफ द स्कूल्स। स्कूल्स के अंदर भी आप रिकॉर्डिंग का प्रोग्राम्स का यूज़ कर सकते हैं। और द टीचर मस्ट यूज़ द टेप रिकॉर्डर फॉर रिकॉर्डिंग इंटरव्यूज, टॉक्स, डिस्कशन और डिबेट्स, इन सब के लिए भी रिकॉर्डर का यूज़ करते हैं। इसके एडवांटेज क्या होते हैं रिकॉर्डर के, कि टेप रिकॉर्डर को सबसे पहले ये कॉमनली अवेलेबल एड्स होते हैं जो कि इकोनॉमिकल यूज़ कर सकते हैं इसका रिकॉर्डिंग के लिए। कॉमन हाउस होल्ड इक्विपमेंट है, हर घर में लगभग मिल जाता है, और उसके बाद में टेप रिकॉर्डर को ऑपरेट करना ईजी होता है। और वैल्यूएबल रिकॉर्डिंग कैन बी स्टोर्ड एंड रीयूज। इसके अंदर वैल्यूएबल रिकॉर्डिंग है उसको आप स्टोर्ड रख सकते हैं, बाकी सबको इरेज करके आप उसका रीयूज़ कर सकते हैं। और द फैक्ट दैट एवरीबडी वांट्स टू लिसन टू हिज ओन वॉइस एंड गिव्स एन एडेड एडवांटेज ऑफ प्रमोटिंग चिल्ड्रन एंड पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोग्राम। स्टूडेंट्स हैं वो खुद की आवाज़ को सुनना पसंद करते हैं, और इन सब के जो प्रोग्राम्स होते हैं रिकॉर्डिंग के अंदर, उन सब के अंदर पार्टिसिपेट्स करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। और बीइंग काइंड ऑफ वॉइस मिरर, टेप रिकॉर्डर कैन बी यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग स्पोकन। स्पोकन को इम्प्रूव करता है, लैंग्वेज को इम्प्रूव करता है, ट्रेनिंग और करेक्टिव टूल्स ऑफ स्पीच मॉड्यूलेशंस को भी इम्प्रूव करता है, और प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर को भी इम्प्रूव करता है। टेप रिकॉर्डर कैन बी ईजिली डन फ्रॉम द सोर्स लाइक रेडियो, टेलीविजन, मूवीज, ETC फ्रॉम द यूज इन द क्लासरूम। उसके बाद में हम डिबेट्स, डिस्कशन, सेमिनार इन हिस्ट्री, इकोनॉमिक, सोशल साइंसेज मे बी रिकॉर्डेड फॉर रीप्लेइंग देम टू रिव्यू एंड इवेल्युएट। देन आता है ग्रामोफोन। ग्रामोफोन जो है वो हम लैंडलाइन फ़ोन की बात कर रहे हैं। लैंडलाइन फ़ोन के अंदर सिर्फ आप सुन सकते हैं आवाज़ को, उसके अंदर देख नहीं सकते। और जैसे कि हम ऑडियो विजुअल की बात करें तो उसके अंदर हम मोबाइल एटच स्क्रीन फ़ोन, तो उसके अंदर हम ऑडियो भी कर सकते हैं और विजुअल भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक और, जैसे क्लासरूम लेक्चर चल रहा है उसके अंदर टीचर्स ओनली फॉर बोल रहे हैं, कुछ भी इमेज नहीं है, कुछ भी नोट डाउन नहीं है, ओनली फॉर बोलना, तो उसके अंदर भी वो एक रिकॉर्डर टाइप का ही हो गया, जैसे कि आप ज़्यादा नॉलेज गेन नहीं कर सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग जो सिस्टम होता है वो ऑडियो विजुअल एड्स के अंदर, जो ऑडियो सिस्टम है वो थोड़ा कम इफेक्टिव होता है ऑडियो विजुअल की तुलना में। थैंक यू।